ऑन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे सभी को। हैप्पी संडे मैं भी कह रहा हूँ। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में सोनम पांडे ब्लॉग्स में। तो आज मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, अभी 2:10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ आज ये क्या है आप लोग बताइएगा, ये है घास पात। तो मेरे पति देव लेके आए हैं बथुआ और इसका पराठा खाएंगे। तो मैं बोली कट करवा के ले आते तो सही था, क्योंकि इसको 1 घंटा तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको अच्छे से काटना पड़ेगा, फिर इसको अच्छे से धुलना पड़ेगा। तो उनको पसंद है बथुआ का पराठा, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बथुआ का पराठा। इसको 1 घंटा हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना मोटा मोटा डंठल है, आटा में लगाऊंगी कैसे बेलूंगी, फिर नहीं बनेगा, फिर बारीक से काटना पड़ेगा। अरे अम्मा जो बनाती नहीं थी, हाँ उसको वो गांव में हम लोग अम्मा जब इसको मिर्ची का बनाती थी, बथुआ का नहीं बनाती थी। आप लोग को भी पसंद है, आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को बथुआ पसंद है। हम तो इसको ना पता नहीं, इसकी महक में से बर्दाश्त नहीं होती। बहुत बहुत लोग दाल भी बना के खाते हैं। और सुनो मम्मी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हमें तो नहीं पसंद है, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ेगा ना, जिनको अच्छा लगता है उनके लिए तो बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कोई नहीं आ रहा, संडे है तो देख लो मेरा घर में कल कितनी अच्छी किताब की थी। अब देखो कुर्सी पे इनका बैग हो गया, पैंट हो गया, ये हेलमेट हो गया, सब वैसे बिखरा देते हैं। तो अभी मैं फटाक से कटिंग करूंगी, सब कुछ दिखा दिया। और मैं अभी इसके पापा सो के उठ भी गए हैं, फिर भी सो गए हैं, और मैं चल रही हूँ पराठा बनाने। देवक आपको पसंद है क्या ये पराठा? क्या करूँगा, बनाते खा के इसकी चटनी बनाऊंगी। टमाटर की चटनी क्या कर दू? एक फोटो क्लिक कर लो। फोटो कहाँ से? ऊपर होगी ऐसे के? हो गया, हो गया दो बार। हाँ, तो इसका चटनी बनाऊंगी धनिया और टमाटर की, और इसको अच्छे से कटिंग करूंगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। तो आप लोग ऐसे मेरे वीडियो में ऐसे बने रहना, क्योंकि क्या करें, हमारे यहाँ खाना तो खत्म हो गया है, तो घास पात से ही काम चलाना पड़ेगा। दाना नहीं है तो कम से कम घास से ही काम चल 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 के खाऊंगी। देवा फोटो खींचो। लो कर दिए, इसको काटूंगी, इसको काटूंगी, ऐसे तुमको। वाह मम्मी वाह, एक और फोटो खींच लिया। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी इसको काटूंगी अच्छे से बारीक नहीं ऐसे, और काट के फिर उसके बाद तो आटा लगाऊंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ करके। तो बताइए आप लोग भी ऐसे, आप लोगों को भी पसंद है प्लीज कमेंट करके बताना। और आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक भी कर दिया करो। और लाइक करने का मतलब नहीं है, लाइक करने का मतलब नहीं है, लाइक भी करो और उसके साथ कमेंट भी करो, ताकि हमको पता चले कि हाँ मेरी वीडियोस को कौन लाइक किया और कौन। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, बंद कर दो। तो ये देखो मैं जा रही हूँ आटा लगाने, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, अजवाइन है, नमक है, मसाला है, और ये है कटा हुआ पालक धुला हुआ। अब इसमें डालूंगी और उसके बाद लगाऊंगी आटा, क्योंकि साग पात खाने की आदत हो गई है। सब्जी सब सब्जी दिखा सकता हूँ? सब्जी क्या दिखाओगे, सब्जी इधर आ जाओ पास में। ये देखिए आप लोग को पसंद है, ये क्या है? ये बथुआ है। हाँ सारी आटा वाटा में सब मिला कितनी है। अब आप आइए खाना बनाइए, खाइए हमारे घर पे। तो इसको मिक्स करने वाली है, मिक्स नहीं मतलब क्या करेंगी? हाँ मिक्स करने वाली। हाँ वो अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूंगी। तो अभी आप लोग ऐसे बने रहिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग देखिए। इसको आटा लगाएंगे, फिर उसके बाद ये रहा हमारा कढ़ाई निकल गई। पहले ये इधर सा ये जो टूटा है ये पहले सोडी पर मम्मी का, देखिए कैसे। आप लोग भी सीखिए हमारे, आइए सीखिए खाना बनाइए। आप लोग को ये बोल बोल मुनाबू ना बोल बोल पे हाँ आलू का पका हुआ उखावा। ऊपर दूर से दिखाओ, अब हम दूर से दिखाने वाले हैं बा। तो ये है हमारे यहाँ का साग पात, यही बनाएंगे और यही खिलाएंगे आज पांडे को, क्योंकि उनको पसंद है, हमको नहीं अच्छा लगता, लेकिन आज बना के खिलाऊंगी। और आप लोगों को पसंद है कि नहीं पराठा साग? इसका बहुत सारे लोग खाते, वैसे फायदेमंद वाली चीज है, इससे ब्लड बढ़ता है और हमको तो नहीं अच्छा। अभी अभी तो खाने को अभी अभी हम गुड मॉर्निंग
तो अभी अपने साइड करके बोलो गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी शाम को बज रहा है, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, तो शाम कैसे हो रहा है? अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, आज बहुत धूप निकल दिया, बादल का समय रहता है, अब मम्मी को दिखाऊंगा पर शायद मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग डरते हो। अरे अपने पापा को भी दिखा दो, ये देखिए ए पांडे बोला हाय गाइस बोला, देखा देखा था ये के थोड़ा वो दिखाओ, आप कैमरा दिखाओ, हाँ दिखाओ थोड़ा, अरे अपना ये कैमरा ये देखो, दो पले ये जो कैमरा ये एकदम साफ दिखता है, तो अभी ये पता नहीं क्या क्या चला के रखे है, अभी पापा के वही है, ये क्या ये देखिए एकदम धुंधला नहीं दिखता होगा, आप लोग को धुंधला नहीं है ना, देखिए ये एकदम धुंधला नहीं लगता, आप लोग को एकदम क्लियर दिखता है, क्लियर ये जो पीछे है ये आगे, क्योंकि अभी पीछे से है लो। तो अभी खाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अच्छे अच्छे कोई सब्सक्राइब वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? देखो मेरा आटा लग गया है, इतना हरा हरा सा दिख रहा है, इसको बेलना देख रहे हो, पास दिखा रहा हूँ पास से, कितना मेरे हाथ में लगा है, फोटो खींचो, हाँ खींचो ऐसे दूर से खींचो, हो गया। तो ये देखिए इसको बेलने में भी दिक्कत होती है, बेलने में ये बात क्यों होती है, मम्मी गिरता है अच्छे से, हाँ, हाँ, चलो नहीं गिरेगा। तो आटा लग गया है, बस अब चटनी बनाना है, इसमें लग गया कटिंग करते ही, कटिंग नहीं मम्मी है, उसको काटने में समय लगता है, क्योंकि वो पूरा डंठल दिखा दो, डंठल उधर चावल का है मेरा खुला है, ये देख रहे हो इतना सारा डंठल निकला है, और ये कल रात का चावल मेरा बचा हुआ है, उसको खाली कर दी हूँ। तो अभी हमारा जो बोतल है आपके पास, जब हम गांव जाएंगे इतना वीडियो बनाएंगे, इतना वीडियो बनाएंगे ना कि आप लोग सब्सक्राइब वीडियो लाइक नहीं करेंगे। आप पूरा अपना फेस दिखाओ ऐसे करके, ऐसे हाँ आप सही दिख रहे हैं, आप बोलो। तो अभी मम्मी जो काम करते हैं मैं अपना पूरा फेस दिखाता रहता हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, प्लीज लाइक करिए, जब हम गांव जाते हैं लाइक करते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो अभी ऐसे बनने दीजिए। तो अब मैं जा रही हूँ पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ में देखो कितना सारा चिपका हुआ, देख रहे हो पासो दिखा रहे हो, ये देख लिया इतना मतलब इसको पता नहीं कैसे ऐसा गीला हो जाता है, बहुत चिपका हुआ है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, आप लोग ऐसे एंड तक बने रहे, बहुत कुछ होने वाला है, जो आप लोगों को सारा चीज देखने को मिलेगा, तब तक के लिए बाय 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 बाय। तो अभी मिलना 10 बजे के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने, क्योंकि सामान नहीं है, इनको बोल रही हूँ मैं जाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें को जाना पड़ेगा। और ये देखिए पैसा, और ये मैं, और ये है मेरा अच्छा। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं कि बस पराठा ही सीखना है, बाकी सारा काम हो गया, जब मैं बोलती हूँ तो सुनते नहीं है, लेट जाते हैं, तो बोले तुम्हें को जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाने वाला, हमने कहा चलो थोड़ा सा कोई नहीं हम चले जाएंगे, तो निकल पड़े हैं। शर्म भी लगती है ना, जैसे वीडियो बाहर बाहर कोई लोग देखेंगे तो फिर अजीब सा लगता है, पर कोई नहीं आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो अभी पहुँच रहे हैं दुकान पर अंकल जी के यहाँ, फिर उसके बाद सामान लिए, देख रहा है दिखा आप लोगों को, वो देख रहा है, देखते हुए जा रहा है। ये भी देख रहे हैं अंकल है दुकान वो वाले, यहाँ लेती हूँ लेकिन अब आज वहाँ से लूँगी, कभी कभी चेंज कर देना चाहिए ना दुकान, डर भी लगता है कोई टोक ना दे कि क्या कर रही हो, कैसे कहाँ कौन वीडियो बना रहे, लेकिन कोई नहीं, जब सामने से कोई देख रहा है तो कैद कर लेते हैं। तो बस पहुँच के सामान ले लो, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सामान ले लूँ, क्योंकि पता नहीं दुकान पे रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं, किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं, तो इसीलिए तो
दुकान के पास आ गए हैं और एक गुजिया दे दो। लड्डू है? लड्डू 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 भी है। हाँ तो लड्डू भी दे दीजिए। एक गुजिया एक लड्डू, दो गुजिया एक लड्डू। यही लेने आए थे अमूल, बटर नहीं था, बटर खत्म था तो मैं खा। अरे ये देखो हाफ डाला, यहाँ भी पहुँच गया है। देख रहे हो इतने छोटी सी जगह में ट्रैक्टर घुसा देते हैं। हो गया, कितना हुआ आपके? हो गए जी 10 रुपए तो ये हो गए, और क्या बता? 10 रुपए इसके? हाँ 5-5। हाँ एक और दे दो ना, एक काम करो एक लड्डू और दे दो, एक गुजिया और दे दो। तो फाइनली हमने ले लिया गुजिया। भाई होली आ रही है, गुजिया खाना शुरुआत हो गया एडवांस में ही। तो गुजिया और ये अमूल का बटर लेके अब चल रहे हैं, सब बढ़िया पचाई करने में लगे हुए हैं। और इधर आप लोगों को दिखाती हूँ पार्क में, आज छुट्टी है ना, सबकी संडे है तो सब क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो हम भी कहीं प्लान करते हैं घूमने के लिए, पंडित से बोलते हैं देखो क्या बोलते हैं। अभी तो फिलहाल घर चल रहे हैं। एक अंकल बहुत ध्यान से देख रहे हैं, देखो देखे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो कोई नहीं, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, और कैसा वीडियो बनाएं जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो टंगड़ा टंग रहे हैं, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तभी हम एकदम मोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली गाइज मेरा ये देखो बथुआ का पराठा और टमाटर की चटनी मैं खा रही हूँ और बना भी चुकी हूँ। इधर दूध लोटे में उबाल रही हूँ, इधर कढ़ाई में चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अजीब और गरीब वाला काम है। और बना बना के सबको खिला पिला दिए हैं। देवा को पता नहीं क्यों थोड़ा सा खाया है। तो पांडे जी से पूछते हैं कि टेस्ट कैसा था। पांडे जी कैसा टेस्ट था? हाँ तुम्हारी बीवी को आता है कुछ बनाना बनाना कि नहीं? अच्छा आता नहीं है लेकिन अच्छा था। या तो बड़ाई कर दो या तो बुराई कर दो। काहे एकदम मायूस रहते हो, थोड़ा खुश खुल के बोला करो, दिल खुश हो जाए। इधर देखो टाओ टाओ, देखो देखो, ठीक है ठीक है। टाइम देखो यार, आप लोग बताओ अगर ये नहीं मेरा सपोर्ट करेंगे, अगर ये वीडियो में नहीं आएंगे तो हम अकेले वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। तो यही है कि घर में मेरे आज दाना पानी सब खत्म हो गया था, तो भैंस की तरह चारा चबाना पड़ा मुझे। और ये देखो चारा खाने का काम है, बथुआ पालक चरने वाला काम था, तो आज मैं चरने गई थी क्योंकि गाय भैंस बना के रख दिए हैं हमारे पति देव। तो यही सब है, लेकिन गाय भैंस वाली बात नहीं है, सारा से फायदेमंद वाली चीज़ें, हरी सब्जी खानी चाहिए, नुकसान नहीं करता, और नुकसान नहीं करता फ़ायदा ही करता है। तो किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।